नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फार्मासिस्ट ने सरकार के खिलाफ दिया धरना, पे ग्रेड 4600 करने की मांग। नागरिक अस्पताल में किया प्रदर्शन। राज्य उप प्रधान कृष्ण कुमार बोले कि रोजाना एक घंटे तक सुबह धरना देकर के सरकार के समक्ष दर्ज करवा रहे हैं अपनी मांग। सरकार के खिलाफ 18 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रदर्शन करनाल में होगा, जिसमें पूरे हरियाणा के फार्मासिस्ट भाग लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। मेडिकल बिल में 25 दवाइयों के अधिकार के लिए दिए जाने की मांग की है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भामू की विशेष रिपोर्ट। ये प्रदर्शन हमारा 13 तारीख से शुरू है। हमारी मुख्य मांग है कि हरियाणा के अंदर जो फार्मासिस्ट है उसका वेतनमान सबसे पहले 4200 से 4600 किया जाए, क्योंकि संस्था के अंदर हम डॉक्टर के बाद इंचार्ज होते हैं। दूसरी कुछ कैटेगरियों के पे स्केल 4600 रुपये कर दिए गए हैं, इसलिए हमारी पहली मांग यही है कि हमारा पे ग्रेड 4600 किया जाए। दूसरी हमारी मांग है, जो नेशनल मेडिकल एक बिल आया है उसके अंदर 25 दवाइयों का जो अधिकार है वो फार्मासिस्ट को मिलना चाहिए। इस सिलसिले के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हर फार्मासिस्ट सुबह 9 से 10 बजे एक घंटे की गेट मीटिंग एवं हम धरना कर रहे हैं। इस माध्यम से हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगें सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार किया जाए एवं पूरी की जाए। रविवार को 18 अगस्त को पूरे प्रदेश स्तर पर करनाल के अंदर सभी फार्मासिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ मुख्यमंत्री के नाम पर हम ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो पे ग्रेड हमारा 4200 से 4600 जल्दी से जल्दी किया। 9 से 10 हड़ताल पे रहे फिर आप? हाँ जी, हम 9 से 10 बजे हमारा डेली का काम है। यहाँ हम गेट मीटिंग करते हैं, एक घंटे का धरना देते हैं। ये हम लंबा इसलिए नहीं करना चाहते थे ताकि मरीजों को असुविधा ना हो। इसके बावजूद हम मरीजों के जनहित को ध्यान में देखते हुए अभी भी हमारे ट्रेनिंग एक या दो लड़के बैठे हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो उसको निपटा सके। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण बिश्नोई है, मैं राज्य उप प्रधान AGPH हरियाणा।